नमस्कार, मैं रिजु रॉय और आप देख रहे हैं डीएनपी स्पोर्ट्स। टी20 विश्व कप 2024 में भारतीय टीम की जीत का सिलसिला जारी है। ग्रुप स्टेज में 3 मैच जीतने के बाद टीम इंडिया ने सुपर 8 में अफगानिस्तान को हराया। अब भारत का सामना आज बांग्लादेश से है। टीम इंडिया को सुपर 8 में हर हाल में अपने ग्रुप में शीर्ष पर रहना जरूरी है। बता दें कि अगर भारतीय टीम ऐसा नहीं कर पाती है तो 27 जून को होने वाले सेमीफाइनल में रोहित शर्मा एंड कंपनी को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सुपर 8 में ग्रुप में 4 टीमें हैं और हर ग्रुप से शीर्ष 2 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। वहीं सेमीफाइनल जीतने वाली टीम फाइनल में खेलेगी। दोनों सेमीफाइनल 27 जून को ही खेले जाने हैं। पहला सेमीफाइनल त्रिनिदाद और दूसरा सेमीफाइनल गुआना में खेला जाएगा। दरअसल ICC के बनाए गए प्लेइंग 11 कंडीशन के हिसाब से भारतीय टीम सुपर 8 में अपने ग्रुप में अगर सभी मैच जीतकर शीर्ष पर भी रहती है तो उसे दूसरा ही सेमीफाइनल यानी गुआना में ही खेलना होगा। ICC ने यह तय किया था कि टीम इंडिया गुआना में दूसरा सेमीफाइनल ही खेलेगी। हालांकि इसमें एक ट्विस्ट है। भारतीय टीम अगर अपने सभी मैच जीतती है और ग्रुप में शीर्ष पर रहती है तो उसे सेमीफाइनल में बारिश की स्थिति में फायदा होगा। बता दें कि ICC ने त्रिनिदाद में पहले सेमीफाइनल के लिए रिजर्व डे तो रखा है, लेकिन दूसरे सेमीफाइनल यानी गुआना में सेमीफाइनल के लिए कोई रिजर्व डे नहीं है। अगर 27 जून को पहले सेमीफाइनल में बारिश होती है तो ये मुकाबला 28 जून को खेला जाएगा। हालांकि अगर गुआना में बारिश होती है और मैच बारिश से धुलता है तो उसके लिए फैसला सुपर 8 में टीमों की स्थिति से होगा। सेमीफाइनल में सुपर 8 के ग्रुप 1 यानी भारत के ग्रुप में शीर्ष पर रहने वाली टीम का सामना दूसरे ग्रुप के दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम से होगा। वहीं ग्रुप 1 में दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम का सामना ग्रुप 2 से शीर्ष पर रहने वाली टीम से होगा। अगर भारतीय टीम अपने ग्रुप में शीर्ष पर रहती है तो भी गुआना में दूसरा सेमीफाइनल ही खेलेगी, जो भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि गुआना में 27 जून को भारी बारिश की चेतावनी है, जिसके कारण अगर ऐसा होता है तो सुपर 8 में टीमों की स्थिति महत्वपूर्ण होगी। अगर भारतीय टीम अपने ग्रुप में शीर्ष पर रहती है तो बारिश की वजह से मैच धुलने पर टीम इंडिया फाइनल में पहुंच जाएगी, क्योंकि दूसरे सेमीफाइनल में रिजर्व डे ना होने की वजह से अपने ग्रुप में शीर्ष पर रहने वाली टीम फाइनल में पहुंचेगी। इस वक्त के लिए सिर्फ इतना ही। टी20 की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए DNP स्पोर्ट्स।